हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में देखा था। हमने देखा था कि जब कोई भी कैपेसिटर है उसको आप बैटरी से कनेक्ट करोगे रेजिस्टर के थ्रू, तो उस पर चार्ज जो होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आज हम देखेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आज हम क्या देखेंगे, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जब कोई भी कैपेसिटर को आप फुली चार्ज कर दो और एक रेजिस्टर के थ्रू आप कनेक्ट करोगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो जो कैपेसिटर पे चार्ज है वो टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो टाइम के साथ अब डिक्रीज होगा तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि ये भी पूछा जा सकता है कि टाइम के साथ ये डिक्रीज होता है तो लीनियरली होता है, नॉन लीनियरली होता है, कितने टाइम के बाद जो कैपेसिटर पे चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, चार्ज कैपेसिटर जो हो जाएगा वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। उसी से रिलेटेड चीज़ें हम देखेंगे, और उसके बाद ये भी देखेंगे कि यदि रेजिस्टर दिया हुआ है तो करंट फ्लो होगा, और आप जानते हैं कि करंट जब फ्लो होता है तो कुछ एनर्जी लॉस होता है, आप 10th क्लास में पढ़े हैं, और वो जो एनर्जी लॉस होता है वो हीट के फॉर्म में होता है। तो हम ये भी देखेंगे कि क्या है कि रेजिस्टर में हीट जो है वो कितना डिसिपेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आज देखो ये क्या है, कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। इस कैपेसिटर को हमने क्या किया है, वी वोल्ट तक चार्ज किया है, कितने वोल्ट तक, वी वोल्ट तक, और हमने मान लिया कि क्यूनट, हमने जो चार्ज होगा उसको हमने क्यूनट मान लिया। क्यूनट इज नथिंग बट द चार्ज स्टोर बाय द कैपेसिटर एट टी इक्वल टू जीरो। हम यदि क्या है, टी इक्वल टू जीरो, चार्ज टी इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर पे कितना है, सिंपल बोल सकते हैं मैक्सिमम चार्ज, ठीक है, कि मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे कितना है, तो सीवी दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको एक रेजिस्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्विच, क्या हम बोलेंगे इसको, स्विच बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट द स्विच। अभी क्या है, स्विच क्या है, ओपन है। अब जैसे ही हमने क्या किया, टी इक्वल टू जीरो पे स्विच को क्या किया, क्लोज कर दिया। तो जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे तो क्या होगा, सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और करंट तभी फ्लो होता है जब सर्किट क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो हमने टी, जैसे ही एज सून एज वी क्लोज द स्विच द चार्ज ऑन कैपेसिटर स्टार्ट डिक्रीजिंग विद टाइम, क्या होगा, जैसे ही क्या होगा, करंट क्या होगा, स्विच क्लोज करेंगे तो चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब जो पहले चार्ज था क्यूनट, वो क्यूनट नहीं रहेगा, कुछ क्या होगा, डिक्रीज होगा, कितने टाइम के बाद कैपेसिटर जो होगा कंप्लीटली क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, जो कैपेसिटर पे चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, उसको भी हम देखेंगे। तो यही क्या है कि कैपेसिटर इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड देन कनेक्टेड थ्रू रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस आर एट, ठीक है, एट टी इक्वल टू जीरो स्विच इज क्लोज एंड हेंस चार्ज ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट डिक्रीजिंग। हमने माना कि किसी टाइम टी कैपेसिटर पे चार्ज क्या दिया, क्या चार्ज है, क्यू है। हमने मान लिया कि लेट क्यू इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। अब आप यदि किरचॉफ्स लॉ यूज करोगे आप, तो देखो क्या होगा, आपको भी मालूम है कि करंट जो होता है ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू क्या होता है, लोअर पोटेंशियल क्या होता है, फ्लो होता है। ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला एंड जो होगा वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, और ये वाला एंड जो होगा वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। यहाँ देखो ये क्या होगा, प्लस चार्ज यहाँ है, तो ऑफकोर्स ये वाला पॉजिटिव प्लेट होगा और ये क्या होगा, निगेटिव। तो जब आप किरचॉफ्स लॉ यूज करोगे तो हम लिख सकते हैं वी आर इक्वल टू क्या होगा, वी सी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो हमने यहाँ लिखा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, उसके बाद हमने क्या लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द क्या होगा, वी सी, सी स्टैंड फॉर कैपेसिटर और आर स्टैंड फॉर रेजिस्टर। अब देखो ओम्स लॉ के 10th क्लास में आप पढ़े हैं, हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब पढ़ेंगे, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि V इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। तो हमने क्या लिखा, आई आर लिखा, आई आर इक्वल टू, आप जानते हैं कि वी सी इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन सी होगा। क्यू क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी, सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। दिस मीन्स दैट क्या होगा कि कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा।
अब देखो आई क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, आई इज नथिंग बट द, क्या बोलेंगे हम इसको, डिस्चार्जिंग करंट। क्या बोलेंगे हम इसको, डिस्चार्जिंग करंट। इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग करंट। और देखो डिस्चार्जिंग करंट क्या होगा, आई इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी क्यू अपॉन क्या होगा, डी टी। आई मीन यहाँ माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा चार्ज जो है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर इक्वल टू क्यू अपॉन सी, यहाँ हमने लिख दिया डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्यू अपॉन आर सी। अपने को क्या निकालना है इसमें कि किसी टाइम टी व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट दैट व्हाट इज द चार्ज क्यू ऑन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ कैपेसिटर पे क्या चार्ज है उसको अपने को कैलकुलेट करना है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि हम इसको और लिख सकते हैं, एक स्टेप और लिखें तो डी क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी अपॉन क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं टाउ, डिस्चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट, या सिंपल हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव टाइम कॉन्स्टेंट आर सी को जो हम पढ़ चुके हैं। अब देखो ये क्या होगा, मुझे क्यू निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, क्यू कैलकुलेट करना है तो हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट कर देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक कांस्टेंट हमने के मान लिया, के क्या है, कांस्टेंट है, हमने ऐड कर दिया। आपको भी मालूम है कि ये, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अब देखो डी क्यू अपॉन क्यू, डी एक्स अपॉन एक्स, आई मीन डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ln q is equal to minus t upon tau plus क्या होगा k। अब k क्या है, यहाँ अनोन है, k का यदि हम वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो आसानी से चार्ज मालूम चल जाएगा, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं कि एट दिया हुआ है, कि दिया हुआ है कि at t equal to zero चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या है, q net है। तो हम लिख सकते हैं कि at t equal to zero, ठीक है, Q इक्वल टू क्या है, क्यू नेट है। तो यहां लिख सकते हैं एल एन क्यू नेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको आप सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर लो, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। तो अब लिख सकते हैं, तो नाउ नाउ क्या लिख सकते हैं, एल एन क्यू इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन टाउ प्लस एल एन क्यू नेट। इसको इधर लाओगे तो हम लिख सकते हैं एल एन क्यू माइनस एल एन क्यू नेट इक्वल टू माइनस टी अपॉन क्या होगा, टाउ। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एल एन क्या होगा, क्यू अपॉन क्यू नेट इक्वल टू माइनस टी अपॉन क्या होगा, टाउ, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि वैल्यू जो होगा वो क्या होगा। तो आप यहां से देख सकते हैं कि ln ln q, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो तो q अपॉन q नट इज इक्वल टू e रेस टू माइनस t अपॉन tau हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां q इज इक्वल टू q नट e रेस टू माइनस t अपॉन क्या होगा, tau। यही क्या होगा, देखो यहां ध्यान से देखोगे तो चार्ज ऑन कैपेसिटर जो होगा वो क्या होगा, चार्ज ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। चार्ज जो है कैपेसिटर पे क्या है, एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, चार्ज ऑन क्या होगा, कैपेसिटर एट एनी टाइम टी, क्यू नेट क्या है, चार्ज एट टी इक्वल टू जीरो, टी क्या है, टाइम कांस्टेंट, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको मालूम चल गया कि चार्ज जो होगा कैपेसिटर पे क्या होगा, एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब आप आसानी से देख, देखो एक टाइम कांस्टेंट क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ टाउ इक्वल टू आर इंटू क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, आर इंटू सी होगा। अब आपसे देखो पूछा जाए कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो आप सब कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, देखो चार्ज का ग्राफ ड्रॉ करना, अब देखो क्या होगा,
एट हम लिख सकते हैं एट टी इक्वल टू टाउ, आई इक्वल टू क्या होगा आर सी, आई मीन वन टाइम कॉन्स्टेंट के बाद क्या होगा चार्ज, इसको देखते हैं। तो देखो तो Q is equal to Q not e के पावर माइनस वन, आई मीन कितना हो जाएगा Q not by क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो नियरली क्या होगा 0.37 Q not चार्ज आता है। आई मीन क्या होगा वन टाइम कॉन्स्टेंट, डिस्चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट का डेफिनेशन भी होता है कि टाइम आफ्टर विच द चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी इक्वल टू 37% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, दैट टाइम इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं उसको हम, डिस्चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो डिस्चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट आई मीन तो Q इक्वल टू Q नट कितना होगा Q नट अपॉन टू और K कितना हो जाएगा 0.37, नियरली क्या होता है 0.37 Q नट आता है। आई मीन हम बोल सकते हैं कि आफ्टर वन आफ्टर T इक्वल टू टाउ क्या होगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी क्या होगा 37% ऑफ इट्स चार्ज एट टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसी तरह हम लिख सकते हैं कि एट, अब देखो तो क्यू क्या होगा, देखो तो क्यू इक्वल टू क्या होगा क्यू इक्वल टू हम देखो तो एट टी इक्वल टू टाव एल एन टू पे चेक करो तो देखो तो क्या हो जाएगा क्यू इक्वल टू क्यू नट ई के पावर माइनस, ठीक है कितना होगा ln2 आई मीन कितना हो जाएगा Q नट बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा क्या, ठीक है कितना हो जाएगा Q नट बाई आई मीन कितना हो जाएगा 0.50। आई मीन कभी कभी भी पूछा जाएगा कि इतने टाइम के बाद आई मीन वन टाइम कितने T इक्वल टू टाव इक्वल टू क्या होगा RC ln2 के बाद जो होगा कैपेसिटर पे चार्ज कितना बचेगा तो 50% चार्ज बचेगा। तो आप देख सकते हैं इसका यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें देखो क्या होगा, यदि तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे कई ग्राफ पूछे जाते हैं तो यही क्या क्यू या हमने टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम कंसीडर किया और वर्टिकल एक्सिस पे क्यू, तो यहाँ देखोगे कि चार्ज जो है वो क्या है एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है एक्सपोनेंशियली जो है वो क्या हो रहा है डिक्रीज, ठीक है ये क्या हुआ क्यू इक्वल टू क्यू नट ई के पावर माइनस टी अपॉन क्या हुआ। अब आप देखेंगे कि टी इक्वल टू आर सी एल एन टू, ठीक है क्या होगा टी इक्वल टू आर सी एल एन टू यहाँ क्या होगा 0.5 क्यू नट, यहाँ क्या है 0.Q नट, और यहाँ देखेंगे आप कि एट टी इक्वल टू कितना होगा टा, ये कितना होगा 0.37 क्यू नट, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हो रहा है चार्ज जो है कैपेसिटर पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या होगा डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा चार्ज होगा वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा कैपेसिटर डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियल, ठीक है एक्सपोनेंशियली क्या होगा डिक्रीज होगा। अब यहाँ आपसे पूछा जाता है कि डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या होगा, तो उसको हम बाद में लिख लेंगे। अब देखो क्या होगा, अब कभी कभी क्या होगा ग्राफ पूछा जाएगा कि ln क्या है, यहाँ ln Q और यहाँ क्या है टाइम, ln Q वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। देखो यहाँ से तुम लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हैं एल एन क्यू इज इक्वल टू एल एन क्यू नट माइनस टी अपॉन क्या होगा टाउ, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि स्लोप जो मिलेगा, कभी कभी क्या होगा एल एन क्यू वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो स्लोप से क्या मिलता है, स्लोप से क्या मिलता है, देखो यही क्या होगा स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यही यदि टैन थीटा हम लिख दें तो यहाँ क्या मिलेगा, टैन थीटा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन अपॉन क्या होगा टाउ। हम लिख सकते हैं कि टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टैन थीटा। तो क्या होगा एल एन वर्सेस टी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मिल गया, क्या मिल गया एल एन वर्सेस टी से अपने को क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिल गया, क्या मिला, तो एल एन क्यू वर्सेस टी यहां लिख देता हूं, क्या है एल एन क्यू वर्सेस टी, आई मीन टी इज ए क्या होगा स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। थर्ड जो ग्राफ पूछा जाएगा, एक और ग्राफ इसमें पूछा जा सकता है, थर्ड जो ग्राफ होगा वो भी क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि डी क्यू आई मीन डिस्चार्जिंग करंट, यहां आपसे पूछा जाएगा कि डी क्यू वर्सेस डी क्यू अपॉन डी टी वर्सेस क्यू का ग्राफ ड्रॉ करो। तो आपने देखा था, इसको थोड़ा सा और मैं ऊपर कंसीडर कर लेता हूं यहां, कि यहां जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा ये डी क्यू वर्सेस टाइम ग्राफ, यहां भी ये स्लोप जो मिलेगा यही क्या होगा थीटा होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप आई मीन क्या होगा स्लोप, स्लोप का मैग्नीट्यूड जो होगा इक्वल टू हम लिख सकते हैं टैन थीटा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा वन अपॉन क्या हो जाएगा। तो यहां भी क्या हो जाएगा डिस्चार्जिंग करंट वर्सेस चार्ज विल बी क्या होगा स्ट्रेट लाइन, क्या हो जाएगा, नहीं हमने टाइम यहां गलत लिख दिया, सॉरी यहां क्या होगा हमने, हाँ यहां क्या हो जाएगा, देखो यहां क्या क्यू क्यू करो गलत लिख दिया, डी क्यू वर्सेस डी क्यू अपॉन डी टी वर्सेस क्या होगा क्यू, ये क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहां भी लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी वर्सेस क्यू इज ऑल्सो क्या होगा ऑल्सो स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। तो अभी हम क्या लिखेंगे, देखो ऐसे ग्राफ पूछे जा सकते हैं, अब लिखेंगे क्या कि एनर्जी, चार्ज तो हम जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। तो देखो तो U इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हाफ, क्या लिख सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन क्या होगा C, यही होगा। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं U इज इक्वल टू वन बाई टू, देखो ये क्या होगा Q नट e रेस टू माइनस T बाई टाउ द होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा C। और यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं U इक्वल टू वन बाई टू Q नट स्क्वायर अपॉन C e रेस टू माइनस टू टी अपॉन, यही होगा ना। अब देखो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा U इज इक्वल टू यूनिट e रेस टू माइनस टू टी अपॉन क्या लिखेंगे हम टाउ, दिस इज नथिंग बट द चार्ज सॉरी एनर्जी एनर्जी स्टोर्ड एट क्या होगा एनर्जी स्टोर्ड एट t इक्वल टू क्या होगा जीरो, दिस इज टाइम कॉन्स्टेंट और दिस इज एनर्जी स्टोर्ड एट एनी टाइम t, एनर्जी स्टोर्ड एट एनी टाइम क्या होगा t, ठीक है। तो यहां भी आप एनर्जी जो भी एनर्जी भी क्या होगा
एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल। अब आपसे पूछा जाएगा कि देखो 50% एनर्जी कितने टाइम के बाद कैपेसिटर पे 50% एनर्जी बच जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि इफ क्या होगा, व्हेन क्या होगा, व्हेन U is equal to क्या होगा unit by 2, then हम क्या लिख सकते हैं, then unit by 2 equal to unit e raised to minus 2t upon क्या लिखेंगे tau, ये cancel हो गया, तो लिख सकते हैं e raised to 2t upon tau 2 ln, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, direct 2t upon tau ln 2, तो t equal to क्या लिख सकते हैं tau by 2, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। आई मीन क्या होगा, T इक्वल टू आर सी बाई टू एल एन। इतने टाइम के बाद जो होगा एनर्जी कैपेसिटर पे क्या होगा, 50% एनर्जी बचेगा। यदि ग्राफ भी आप ड्रॉ करोगे इसका एनर्जी वर्सेस क्या होगा, तो देखो कुछ ऐसे जीरो कॉमा क्या होगा, इधर हमने वर्टिकल एक्सिस पे यू रखा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम, तो आई थिंक आप देखोगे तो ये कितना, टी इक्वल टू आर सी बाई टू एल एन टू, टाइम पे क्या होगा कैपेसिटर जो होगा वो कितने परसेंट एनर्जी लॉस कर देगा, 50%। ठीक है, तो क्या हुआ, एनर्जी लॉस बाय द क्या होगा कैपेसिटर इन 50% आफ्टर क्या होगा टाइम, टी इक्वल टू आर सी बाई क्या हो जाएगा आर सी बाई टू। इधर लिख दिया हूँ, यहाँ थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूँ, ये वाला जो टाइम होगा क्या होगा, टी इक्वल टू आर सी बाई टू एल एन टू, ठीक है, क्या होगा। तो इतने टाइम के बाद जो कैपेसिटर पे क्या होगा एनर्जी होगा वो 50% बचा रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बिटवीन द क्या होगा प्लेट, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, या सिंपल हम इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, Q VC is equal to क्या लिख सकते हैं Q by क्या लिख सकते हैं C, तो VC equal to क्या होगा Q net by C e raised to क्या होगा minus T upon tau, तो VC equal to लिख सकते हैं V e raised to minus T upon क्या होगा tau। यहाँ देख रहे हो कि potential difference भी जो है वो भी क्या है, exponentially क्या हो रहा है, decrease हो रहा है। potential difference भी जो है वो क्या है, एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वी इक्वल टू वी नट, या हमने पता नहीं वी वी नट ई रेस टू या वी हमने माना था, तो वी सी वी ई रेस टू माइनस टी अपॉन क्या हुआ, तो यहाँ हमने टाइम। ठीक है, तो क्या है, सभी चीज क्या है एक्सपोनेंशियल, आई मीन सभी चीज का मतलब क्या हुआ, चार्ज एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, सब जो है क्या है एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद अब हम आते हैं क्या, डिस्चार्जिंग करंट है ना, डिस्चार्जिंग करेंट। देखो आई इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, माइनस डी क्यू अपॉन क्या होगा डी टी, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो वी अपॉन आर ई के पावर माइनस टी अपॉन क्या होगा टाउ, आई मीन आई इज इक्वल टू क्या होगा आई नट ई रेस टू माइनस टी अपॉन क्या होगा टाउ। ठीक है, क्या होगा माइनस टी अपॉन क्या हो जाएगा। देखो इनिशियली क्या है कि
जैसे ही क्या है हम स्विच कनेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। धीरे धीरे जैसे ही टाइम पास होता जाएगा, आई मीन टाइम निकलता जाएगा, वैसे ही क्या होगा उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, चार्ज होगा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई मीन चार्ज होगा कंप्लीटली, सॉरी कैपेसिटर जो होगा वो चार्ज को कंप्लीटली क्या करेगा, लॉस कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिस्चार्जिंग करंट। एक चीज याद रखना है, नोट में मैं लिख देता हूँ कि क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर, याद रखना है ना। ये क्या होगा, क्योंकि कभी कभी क्या है, जैसे मान लो कि आपने डिस्चार्जिंग करंट पॉजिटिव कंसिडर किया है, सॉरी चार्जिंग करंट, तो डिस्चार्जिंग करंट जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो, हम ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, चार्जिंग करंट। ये क्या है, यहाँ हमने डिस्चार्जिंग करंट रखा आई। ठीक है, तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, कुछ ऐसे ग्राफ, ये जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, जीरो कॉमा क्या होगा, माइनस आई नट। यहाँ देखोगे आई मीन वन टाइम टी इक्वल टू टाउ पे, ये कितना हो जाएगा, माइनस पॉइंट 37 आई नट। ठीक है, इधर हमने क्या रखा है, टाइम। ठीक है, तो यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि डिस्चार्जिंग करंट क्या है और चार्जिंग करंट दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होता है, अपोजिट होता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ हमने ये, ठीक है, यहाँ नोड में ये लिख देता हूँ, डिस्चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग करंट। ठीक है, तो यहाँ नोट में मैं लिख देता हूँ कि क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि ये जो ग्राफ ड्रॉ किया, आप बोलोगे सर ये तो निगेटिव नहीं होगा, लेकिन मैं किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ, डिस्चार्जिंग करंट के रिस्पेक्ट में। यदि आपको ऐसे ड्रॉ करना है तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हमने क्या लिखा, क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ डिस्चार्जिंग करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू चार्जिंग करंट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। उसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर भी देख रहे हो आप, वो भी मैं लिख देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस, ड्रॉप नहीं लिख सकते हैं, डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ही लिख लो, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप, और मैं लिख दूं राइज अक्रॉस रेस्ट। देखो यहाँ वी आर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आई इंटू आर, और यहाँ लिख सकते हो आई का वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, देखो आई नट आर ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाउ, तो वी आर इक्वल टू यहाँ लिख सकते हो वी ई रेस टू माइनस क्या होगा, टी अपॉन टाउ। ठीक है, तो यहां भी आप देखोगे क्या होगा कि पोटेंशियल जो होगा किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहां आपने, हमने वी आर वर्सेस अगेन हमने क्या किया, टाइम ग्राफ ड्रॉ किया, तो यहां भी आप देखेंगे कि पोटेंशियल भी है क्या है, वो भी क्या है, एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब एक पॉइंट और है जो इम्पोर्टेंट है, वो भी पूछा जाता है कि हीट डिसिपेशन, आई मीन एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द रेजिस्टर्स, तो हम लिख सकते हैं
हीट डिसिपेशन एनर्जी डिसिपेशन ही डिसिपेशन नहीं एनर्जी डिसिपेशन इन द क्या होगा और यही क्या होता है हीट। ठीक है तो देखो क्या होगा H इज इक्वल टू क्या होता है सिंपल यदि लिखे इंटीग्रेशन I स्क्वायर R dt आप याद रखना। ठीक है यदि आपको किसी भी फंक्शन में लिखना है अब टोटल हीट कितना होगा तो जीरो टू हम क्या लिख देंगे यार T इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी यही होगा ना। अब देखो H इज इक्वल टू क्या होगा अब I नट का वैल्यू रखो तो क्या लिख सकते हैं I नट स्क्वायर R उसके बाद लिख सकते हैं e रेस टू माइनस टू टी अपॉन टाउ डी टी जीरो टू क्या होगा इन्फिनिटी इसको लिख सकते हैं आई नट स्क्वायर आर। ठीक है इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या होगा ई रेस टू टी और कोफिशियंट से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे तो हम लिख सकते हैं ई रेस टू माइनस टू टी अपॉन टा डिवाइडेड बाई क्या होगा माइनस टू टी अपॉन टा इंटीग्रेशन जीरो टू आई मीन लिमिट जीरो टू इंफिनिटी। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो H इज इक्वल टू क्या होगा देखो I नट स्क्वायर R टाउ बाई टू इन टू अब T का वैल्यू रखोगे तो क्या होगा देखो तो e रेस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस e रेस टू माइनस जीरो। इसको जब सॉल्व करोगे तो H इक्वल टू क्या होगा I नट स्क्वायर R टाउ अपॉन टू आएगा। I नट का वैल्यू रखो तो वी स्क्वायर अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर इंटू आर सी। ठीक है बाई टू अब देखो यहाँ से बाई टू आर स्क्वायर के अंदर एच इज इक्वल टू क्या होगा वी स्क्वायर सी आई मीन एच इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एनर्जी आई मीन ये याद रखना है हमेशा कि जितना एनर्जी स्टोर्ड होगा टोटल एनर्जी क्या होता है हीट के फॉर्म में क्या होता है लॉस हो जाता है। तो हीट अपीयर आई मीन एनर्जी लॉस्ट एनर्जी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द क्या होगा कैपेसिटर। तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द क्या होगा बाय द कैपेसिटर इज बीइंग डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा हीट इज बीइंग डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यदि आपको याद है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है तो हम लिख सकते हैं बीइंग डिसिपेटेड डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है तो उसके बाद देखो यहाँ तुम डिस्चार्जिंग हम ये डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ आप देखें कि क्या होगा। मैंने बताया भी था कि डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि 37% चार्ज मैक्सिमम चार्ज का 37% चार्ज जितने टाइम में क्या हो रहा है डिस्चार्ज होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है तो देखना क्या होता है कैपेसिटर जो होता है फास्ट चार्ज स्टोर करता है लेकिन जो डिस्चार्जिंग रेट होता है वो क्या होता है स्लो होता है। ठीक है डिस्चार्जिंग रेट क्या होता है स्लो हो जाता है। अगेन यहाँ भी टाइम कांस्टेंट का इंपॉर्टेंट क्या है कि जितना ज़्यादा टाइम कांस्टेंट होगा उतना ही क्या होगा डिस्चार्जिंग रेट जो होगा वो क्या होगा ज़्यादा होगा। ठीक है अब इस पे एक एग्जांपल हम कंसीडर कर कैलकुलेट कर लेते हैं कि देखो यहाँ भी क्या है तुमसे पूछा जाएगा कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग क्या है टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करो आई मीन दिया हुआ है आपसे जैसे एक एग्जांपल देखो
इसमें क्या है, प्लस चार्ज Q0 दिया हुआ है, ये R मान लो, ये भी R और ये भी R, ठीक है, है ना। और आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि फाइंड, देखो क्या है, T इक्वल टू जीरो पे हमने क्या किया, स्विच क्लोज कर दिया। इफ द क्या है, चार्ज, इफ क्या होगा, इफ चार्ज ऑन क्या है, ऑन कैपेसिटर एट T इक्वल टू जीरो इज Q0 एंड स्विच is closed at t equal to 0, then find charge on capacitor at any time t आपसे पूछा गया है चार्ज कैलकुलेट करने के। तो देखो सबसे मैं आसान तरीका बताता हूं तुमको कैलकुलेट करने के लिए, कि सबसे पहले देखो क्या है कि एक ही ये फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया था कि चार्जिंग के केस में क्या होता है, Q इक्वल टू Q0 वन माइनस e के पावर माइनस t अपॉन क्या होता है, टाउ। उसी तरह देखो ये क्या है, क्यू इक्वल टू Q0 e रेस टू माइनस क्या है, t अपॉन क्या है, टाउ। अब आपको केवल क्या करना है, डिस्चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट टाउ क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अगेन क्या करना है कि कैपेसिटर के एक्रॉस क्या करो, ए मान लो और क्या है, बी मान लो। तो अभी क्या करना है, इसमें देखो एक यूनिट दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ, केवल क्या करना है टाइम कॉन्स्टेंट हम क्या करेंगे कैलकुलेट कर लें और वैल्यू रख दें तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि अब डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट इनटू C चाहिए। इसका कैपेसिटेंस क्या दिया हुआ है, C दिया हुआ है। तो अब R इक्विवेलेंट कहां कैलकुलेट करेंगे, A और B के बीच। तो A और B के बीच हम क्या करेंगे, देखो तो कैलकुलेशन, अब इसमें यदि मुझे, तो मैं लिख देता हूं यहां कैलकुलेशन ऑफ डिस्चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट, दैट इज मैंने यहां भी लिख दिया टाउ। तो यहां क्या करना है, रिप्लेस, आई मीन क्या क्या करना है, फाइंड, फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस एंड ऑफ across the capacitor। दूसरा क्या है, यूज tau इक्वल टू R इक्वेलेंट C, आई मीन क्या लिखेंगे, R AB इंटू क्या लिखेंगे C। यहां मुझे किसके बीच निकालना है, A एंड B के बीच, यही है ना, प्लेट के अक्रॉस या कैपेसिटर के अक्रॉस। तो देखो ध्यान से, ये क्या है, दोनों पैरेलल में है और ये क्या है, सीरीज में है। तो यहां आप आसानी से निकाल सकते हो, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, आर बाई टू प्लस क्या हुआ, आर आई मीन क्या हुआ, थ्री आर बाई क्या हुआ। तो एक स्टेप में आपको क्या मालूम चल गया, एक स्टेप में ही कैपेसिटर पे कितना चार्ज है किसी टाइम टी, उसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ क्या हुआ कि क्यू इज इक्वल टू क्या हुआ, Q0 ई रेस टू माइनस टी अपॉन क्या हुआ, 3RC/2 क्या हुआ, 2। तो हम लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू Q0 ई के पावर माइनस 2T अपॉन क्या होगा, 3, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान देना है। एक चीज मैंने सर बाय मिस्टेक से गलत बता दिया था, क्योंकि क्या होगा, कैपेसिटर जो होता है डिस्चार्ज भी क्या होता है, पहले इनिशियली फास्ट रेट से डिस्चार्ज भी होगा और चार्जिंग भी फास्ट रेट होता है, बाद में क्या होता है डिस्चार्जिंग और चार्जिंग रेट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। आपने देखा था कि टी इक्वल टू टाउ पे
कैपेसिटर पे कितना चार्ज बच रहा है, 37% बच रहा है। इसका मतलब क्या है, 73% जो है क्या है, चार्ज क्या हुआ है, लॉस हो गया है। क्या हुआ है, 73% नहीं सॉरी 27 कितना होगा, 67% है ना, 67% जो चार्ज है वो क्या है, लॉस हो गया है। तो आप देखेंगे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट से कंपेयर करेंगे और रेजिस्टेंस सेम रख लें, कैपेसिटर भी सेम रखें, तो डिस्चार्जिंग रेट क्या होता है, चार्जिंग रेट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, सेम होता है ना। आई थिंक सेम ही होगा ना, कि मैंने गलत बोल दिया, 37 और 63 नहीं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रेट क्या होगा, जितना चार्ज होता है उतने ही क्या हो रहा है, डिस्चार्ज भी होता है। तो जितने टाइम में, आई मीन वन टाइम कॉन्स्टेंट में क्या हो रहा है, 63% चार्ज स्टोर करता है, तो उतने ही टाइम में क्या हो रहा है, 63% चार्ज होता है वो क्या करता है, डिस्चार्ज भी करता है। ठीक है, तो ये चीज अपने को क्या है, माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।